हम लोग देखने वाले हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल विस्तृत सभ्यता, नदी घाटी सभ्यताओं में से ऐसी सभ्यता जो दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता आज से 5000 साल पहले हमारे भारत देश के अंदर एक ऐसी सभ्यता पली बड़ी विकसित हुई जो आज की सभ्यता से काफी आगे थी, जिसके अंतर्गत सारी तरह की व्यवस्थाएं मौजूद थी। अगर उसको हम लोग देखें तो उसमें पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से नगरीय सभ्यता थी। अब इस सभ्यता की शुरुआत की कहानी कहां से होती है, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी हड़प्पा सभ्यता की कहानी उस समय की। चार्ल्स मैसान नाम का एक व्यक्ति जो है कि 1828 में जो अंग्रेज था वह आया था रेलवे लाइन बिछाने, और जब वह रेलवे लाइन बिछाने आया पाकिस्तान में तो वहां पे गया। उस समय जो है पाकिस्तान भारत का ही एक भाग था, हमारे भारत देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। और जब वहां रेलवे लाइन बिछाने गया तो वहां पे उसको जब पत्थरों की आवश्यकता महसूस हुई तो वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि यही बगल में हड़प्पा नामक गाँव में हड़प्पा नाम के राजा का किला है, आप वहां से जाके पत्थर ले सकते हैं। और जब वह पत्थरों को लेने के लिए वहां पे पहुंचा और जब उसने पत्थरों को निकालना शुरू किया तो जल्द ही उसे इस बात का एहसास हो गया यह कोई दबी हुई सभ्यता है। लेकिन उसकी बातों को उस समय किसी ने नहीं माना, इसीलिए वह जाना लेकिन वह दुनिया के सामने नहीं आ सका। स्टार्ट होता है इस सभ्यता के बारे में असली रूप से 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा शुरुआत होती है? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी शुरुआत होगी। क्लियर? किसके द्वारा शुरुआत होगी? दयाराम साहनी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने सबसे पहले इस सभ्यता की खोज की। जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की। अब ये सभ्यता थी कैसी, कहां पे थी, इसकी विशेषताएं क्या थी, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी सभ्यता को जानने से पहले उसका लोकेशन जानना जरूरी होता है। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत विशाल सभ्यता थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। अगर बात की जाए तो उत्तर में मांडा, चिनाब, अखनूर, जम्मू कश्मीर, मांडा जिला, चिनाब नदी और अखनूर जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ इसका सबसे उत्तरी किनारा मिलता है। इसका पूर्वी किनारा अगर देखा जाए तो ये मिलता है मेरठ आलमगीरपुर और गिंडर नदी मेरठ, और अगर दक्षिण की बात की जाए तो दैमाबाद प्रवरा नदी महाराष्ट्र। ये इसका जो है कि सबसे दक्षिणी किनारा था। और इसका पश्चिमी किनारा देखा जाए इसको कहा जाता है सुतका गेंडोर, और ये सुतका गेंडोर को कहा जाता है कि यह सिंधु सभ्यता का चौराहा था, क्योंकि ये ईरान से यहाँ ईरान के पास था और यहाँ दूर दूर से जो है कि जहाजें आके डेरा डाले रहती थी। तो ये तो हो गया कि हमारी सभ्यता किस तरह की थी। सबसे पहले ये सार राव ने बताया था कि यह त्रिभुज के आकार की सभ्यता है और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। अब बस्ती, अब इसके बाद अगर बात की जाए कि ये इस सभ्यता में रहने वाले लोग कहाँ से आए थे। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता को हम लोग विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा वह पहला स्थान था, हड़प्पा वह पहला स्थान था जहां से इस सभ्यता के अवशेष मिले, इसीलिए इसे कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे जो है कि पली बढ़ी विकसित हुई, इसे इसलिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहला साक्ष्य, अगर इस सभ्यता का पहला कोई सबूत मिला तो वह हड़प्पा नामक स्थान से मिला, इसीलिए इसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, क्योंकि आप लोग भारत में जानते हैं कि जो भी यह सिंधु नदी तंत्र आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले ये है आपका सिंधु नदी, उसके बाद आप देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास,
सतलज इन सारी नदियों से मिलकर बनता है सिंधु नदी तंत्र। और ये सभ्यता अगर देखा जाए तो इसी तरीके से त्रिभुजाकार सभ्यता थी, मतलब इसका मैक्सिमम भाग जो डेवलप हुआ था वह सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। एक चीज यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में अपने बैठा लें कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सारी की सारी सभ्यताएं एक ही है, सारी सभ्यता एक है, बस इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक गांव से जिसकी खुदाई हुई इसलिए हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे पली बढ़ी विकसित हुई इसलिए सिंधु सभ्यता। और इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस समय कांसे का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ था, इस वजह से इसे कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल और इसके बारे में ये सारी चीजें। अब लोकेशन के बाद हम यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में जरा जानेंगे। तो इसका कोड है AM PM, यानी यहाँ रहने वाले जो लोगों का कोड है उसको कहा जाता है AM PM के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में जो आर्य लोग बसे थे उनको कहा जाता है अल्पाइन, उसके बाद मेडिटोरियन, और उसके बाद हम देखेंगे प्रोटो आर्ट्रेलाइट, और सबसे लास्ट में अगर बात की जाए तो मंगोलाइट। इस सभ्यता में ये लोग दूर दूर से आके बसे थे, लेकिन अगर बात किया जाए कि इसके मुख्य निवासी कौन थे तो इसके मुख्य निवासी थे मेडिटोरियन। हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे मेडिटोरियन के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? हड़प्पा सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे इनको मेडिटोरियन के नाम से जाना जाता है, जिनको भूमध्य सागरी और कार्पेशियन के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे AM PM इसका कोड है। मैक्स मुलर बताता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले लोग जो थे वह मध्य एशिया से आके भारत देश के अंदर बसे थे, और सबसे पहले ये जो आके बसे थे दक्षिण भारत की तरफ आके बसे थे, इसीलिए इनको द्रविड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग आज के ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आज के ऐतिहासिक काल। अब आप कहेंगे कि यह आज के ऐतिहासिक काल क्या होता है? आज के ऐतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। बार बार ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, यानी भाव चित्रों के माध्यम से जो है कि भाव प्रदर्शित किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का अगर नाम देखा जाए तो आपको किताबों में इसका नाम मिलता है, इसको कहा जाता है बुस्त्रोपेदर। क्या कहा जाता है? बुस्त्रोपेदर के नाम से जाना जाता है, बुस्त्रोपेदर। अब ये बुस्त्रोपेदर खरोष्ठी लिपि के काफी नजदीक है, जो राइट से लेफ्ट, कहां से? जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। ये कौन सी है? बुस्त्रोपेदर, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। अब लिपि का मतलब क्या होता है? लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग, लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि। तो इसको बुस्त्रोपेदर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुस्त्रोपेदर, जो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखी जाती है। कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने कहा
सबसे पहली बात तो कुछ लोगों ने कहा इसको नाम इसका नाम दिया गया है बुस्तरों के दर, लेकिन अन्य विद्वानों ने इसको अलग अलग नाम दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह हलाब्रत शैली है, क्योंकि जिस तरीके से खेत में आप देखेंगे कि खेत को जिस तरीके से जोता जाता है इसीलिए इसका नाम दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यह हलाब्रत है, कुछ लोगों ने कहा कि यह गोमूत्रिका है, क्योंकि गाय कभी भी तेज फिर धीरे फिर तेज और धीरे पेशाब करती है यानी मूत्र करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया गोमूत्रिका। क्या नाम दिया गया? गोमूत्रिका नाम दिया गया। कुछ लोगों ने इसको कहा गोमूत्रिका और कुछ विद्वानों ने इसको नाम दिया कि यह सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार। कुछ विद्वानों ने इसको नाम दिया कि यह सर्पिलाकार शैली है। कैसी शैली है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार शैली का मतलब क्या होता है कि सांप की तरह, कुछ लोगों ने बताया जिस तरीके से सांप चलता है उसी तरीके से यह चलता है, तो कुछ विद्वानों ने इसको बताया कि यह सर्पिलाकार शैली है। आज तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। बात समझ में आई? आज तक इस सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि 1900 सबसे पहले 1921 में जब दयानाम साहनी ने इस सभ्यता को खोजा तो कई लोग इस सभ्यता को पढ़ने का दावा करने लगे। और जो है कि सबसे पहले 1925 में आप लोग देखेंगे तो एक बहुत बड़े विद्वान आए, उनका नाम था एयर वार्डन महोदय। और इस एयर वार्डन महोदय ने कहा कि मैंने इस सभ्यता को पढ़ लिया। एयर वार्डन महोदय ने आया और इन्होंने दावा किया कि मैंने हड़प्पा लिपि को पढ़ लिया, लेकिन वाकई में वह इसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि कहीं पे उन्होंने किसी भी चीज को लिखा गया तो कहीं कुछ और पढ़ा और कहीं पे कुछ और पढ़ा, इसीलिए विद्वानों ने उनको नकार दिया। इस बात से पता चलता है कि वह इस सभ्यता इस लिपि को नहीं पढ़ पाए। कौन? एयर वार्डन महोदय। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का जो नाम था, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का नाम था भुस्त्रों के दर। क्या नाम था? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि का नाम था, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का नाम था भुस्त्रों के दर। जो आपके खरोष्टी लिपि के अत्यधिक नजदीक, किसके अत्यधिक नजदीक थी? जो खरोष्टी लिपि के अत्यधिक नजदीक थी। अगर खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो याद करने का तरीका बता रहा हूँ। खरोष्टी, अगर खरोचना होता है तो हम किस हाथ का उपयोग करते हैं? दाहिने ना, दाहिने से तो खरोचो देखी सीखो, तो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ये कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा कि यह खरोष्टी लिपि के नजदीक है, हलाब्रत सर्पिलाकार भुस्त्रों के दल के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक इस सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ नहीं पाया। अब सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो इसके अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज्यादा इसके अभिलेख मोहन जोदड़ो से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? सबसे ज्यादा अगर अभिलेख की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अभिलेख मोहन जोदड़ो से मिलते हैं। अभिलेख का मतलब लिखा हुआ दस्तावेज। क्लियर? सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिलते हैं, सबसे ज्यादा अभिलेख मोहन जोदड़ो से मिलते हैं। कहां से मिलेंगे? मोहन जोदड़ो। और अगर बात किया जाए कि सबसे बड़ी लिपि कहां से पाई गई, तो 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई है। 10 अक्षरों की जो सबसे बड़ी लिपि पाई गई है वह पाई गई है धौला बीरा से। कहां से पाई गई है? धौला बीरा से 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई। अब आप पूछेंगे कि यह धौला बीरा कहां है? धौला बीरा गुजरात में। कहां है? गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादिर द्वीप पे बसा हुआ है धौला बीरा, और इसी धौला बीरा से 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई थी। क्या पाई गई थी? सबसे बड़ी लिपि पाई गई। कहां से पाई गई थी? धौला बीरा से। कहां से पाई गई थी? धौला बीरा से। क्या मिला था? सबसे बड़ी लिपि। तो अगर बात किया जाए तो 10 अक्षरों की सबसे बड़ी लिपि पाई गई थी।
दीदी अग्रवाल ने सबसे पहले कार्बन डेटिंग प्रणाली का उपयोग किया। कार्बन डेटिंग प्रणाली आप लोग अच्छी तरीके से परिचित है, कार्बन डेटिंग प्रणाली जिसके हर आयु के आधार पे किसी भी काल का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले किसने शुरुआत की थी, तो डीडी अग्रवाल नामक सबसे डीडी अग्रवाल ने सबसे पहले इस सभ्यता के खोज के कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर, मतलब इसके समय का निर्धारण करने का प्रयास अगर सबसे पहली बार कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर किया गया तो डीडी अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? डीडी अग्रवाल के द्वारा। देखिए विभिन्न विद्वानों ने इसका अलग निर्धारण, इसका समय का निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। देखिए सीधी सी बात, एक छोटी सी बात जान लीजिए कि मान लीजिए कि आज आपका ये जो है कि इलाहाबाद शहर, क्लियर, अगर आज आपका ये इलाहाबाद शहर पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाए और इसको खोदा जाए, हजार दो हजार साल के बाद खोदा जाएगा तो जिसे अकबर का किला मिल गया, अकबर का किला मिल गया तो वह आज से 600 साल पुराना है और पता चला यहाँ का अगर कोई भाग मिल गया यहाँ तो अभी 2-4 साल पुराना बना हुआ मकान है। तो अगर किसी वैज्ञानिक ने आपका अकबर का किला पहले खोज लिया तो वह कहेगा कि इलाहाबाद की जो सभ्यता थी वह 600 साल पुरानी थी और यहाँ का आज का बना हुआ कोई मकान पा गया तो वह कहेगा कि उसकी सभ्यता जो है कि 300 या 200 साल पुरानी थी। तो जिस तरीके से, इसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण करने का प्रयत्न किया और विभिन्न विद्वानों ने इसका काल निर्धारण करने का प्रयत्न किया। जॉन मार्शल ने 3250 से 2730 तक, किसने? जॉन मार्शल 3250 से 2730 तक सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? जॉन मार्शल। किसने बताया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले बताया। लेकिन अगर इसकी सर्वमान्य तिथि की बात किया जाए कि इसकी सर्वमान्य तिथि क्या है जिसे सभी लोग मानते हैं, तो सभी लोग एक बात पे आज सहमत हैं और वह है 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, इस डेट को सभी लोग मानते हैं कि यही रहा होगा। क्योंकि कारण यह था कि जहां पे हर जगह मैंने बताया कि यह सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई थी, तो कहीं बहुत पुराना घर मिला, कहीं नया बना हुआ घर मिला, तो उसी के आधार पे इसका जो है कि क्या हुआ कि नामकरण अलग अलग होने लगा। किसी ने इसको बहुत पुराना बताया और किसी ने इसको थोड़ा उससे कम। अब इतना देखने के बाद अगर अब हम लोग जरा बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की, यानी सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताओं को देखा जाए, क्लियर, तो अब हम लोग आएंगे सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताएं। अभी हम लोगों ने किसके बारे में देखा? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता और जो है कि कांस्य युगीन सभ्यता, तीनों की तीनों सभ्यता एक है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम शाह के द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। अगर बात किया जाए हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, तो हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान जिले में, पाकिस्तान जिले जो है कि पाकिस्तान में पंजाब जिले में साहिबाल, ठीक है। हड़प्पा जो है कि इस समय बात किया जाए तो वर्तमान में पाकिस्तान देश में पंजाब प्रांत में साहिबाल जिले में स्थित है, रावी नदी के बाएं तट, रावी नदी के बाएं तट पे, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत, और जो है कि उसके बाद जिला है साहिबाल, जिला कौन सा है? साहिबाल, और जो है रावी नदी के बाएं तट पे आपका स्थित है हड़प्पा। अब इसी हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया था, एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पश्चिमी भाग। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए तो एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पश्चिमी भाग, क्लियर। किसकी बात करें तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पश्चिमी भाग। बात समझ में आया?
एक हो गया आपका पूर्वी भाग और एक क्या हो गया आपका पश्चिमी भाग। बात करिएगा सभी लोग इधर कंसंट्रेट, हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। तो अब हम लोग असली टॉपिक पे आ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता किस तरह की थी, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। तो हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, एक को कहा जाता था पूर्वी भाग और एक को कहा जाता था पश्चिमी भाग। हड़प्पा सभ्यता जो है कि नगरी सभ्यता थी, मैंने फिर एक बार रिपीट किया, हड़प्पा एक गांव था लेकिन हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, एक को कहा जाता था पूर्वी भाग, एक को कहा जाता था पश्चिमी भाग। और ये देखा जाए तो पश्चिम के साइड में थोड़ा सा सकरा होता था और पूरब साइड में क्या होता था, थोड़ा सा फैला हुआ होता था, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ जो है कि पूर्वी भाग में साधारण लोग रहते थे, कौन से लोग रहते थे, साधारण लोग। पूर्वी भाग में जो है साधारण लोग रहा करते थे और पश्चिमी भाग में जो रहते थे, पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का समाज और हड़प्पा सभ्यता के समाज में हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था की बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था दो भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित थे, बोलो सभी लोग। हड़प्पा सभ्यता की जो है कि दो भागों में विभाजित थी, एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पश्चिमी भाग के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग में साधारण लोग रहते थे लेकिन पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। पूर्वी भाग में कौन रहता था और पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद है धौला बीरा इसका अपवाद है। ये धौला बीरा कहाँ है, धौला बीरा है गुजरात, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादिर द्वीप, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तालुका के खादिर द्वीप पे बसा हुआ है आपका धौला बीरा। क्या बसा हुआ है, धौला बीरा। अभी मैंने छोटी सी एकदम चीज समझाई आप लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, कितने भागों में विभाजित थे, हड़प्पा सभ्यता दो भागों में विभाजित थी, एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को क्या कहा गया पश्चिमी भाग, एक को कहा गया पूर्वी भाग और एक को कहा गया पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में जो है कि साधारण लोग रहा करते थे और पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। और इसका अपवाद है धौला बीरा, कौन है इसका अपवाद, देखो धौला बीरा। और ये जो धौला बीरा है यह तीन भागों में विभाजित था, क्लियर, बोलो यार। ये दो भागों, पहला था पूर्वी भाग और पूर्वी भाग पश्चिमी, पूर्वी में साधारण लोग, इसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग यानी जो बड़े बड़े लोग रहा करते थे, राजा वाजा रहा करते थे, वह पश्चिमी भाग में रहा करते थे। और इसका अपवाद है धौला बीरा, कौन है अपवाद, धौला बीरा। यही धौला बीरा जो गुजरात में यह तीन भागों में विभाजित था, यह तीन भागों में विभाजित था, किला किला या दुर्ग, किला मध्य नगर, किला मध्य नगर और अवमन नगर, अवमन नगर, अवमन नगर। अगर बात किया जाए कि पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता तो दो भागों में विभाजित थी, क्लियर, पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता तो दो भागों में विभाजित थी, लेकिन इसका जो अपवाद था, इसका अपवाद था धौला बीरा। और आपका धौला बीरा तीन भागों में विभाजित था, किला मध्य नगर और अवमन नगर, कहाँ विभाजित था, किला मध्य नगर और अवमन नगर में विभाजित था, कौन विभाजित था, धौला बीरा, क्लियर, कौन विभाजित था, धौला बीरा। कितने भागों में, अब ये देखा हम लोगों ने, इसका देख लिया कि किस तरीके से था। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत कि इसकी नगरीय व्यवस्था किस तरीके से थी, क्लियर, क्या देखने वाले हैं हम लोग, इसकी नगरीय व्यवस्था क्या थी, इसकी नगरीय व्यवस्था का किस तरीके से रूपरेखा था, ये सारी चीज हम लोग किसके अंतर्गत देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे नगरीय व्यवस्था के अंतर्गत। सभी लोग बात करिएगा एकदम बिल्कुल कायदे से, यहाँ पे बना दे रहा हूँ आप लोगों का, ये है आपका इस सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं।
क्लियर। इस सभ्यता की किसके बारे में देखने वाले हैं, बिजनेस पावर। जरा गौर करिएगा सभी लोग, ये सभ्यता पूरी तरीके से शतरंज की विशाख की भांति बीच जाती थी। ये सभ्यता पूरी तरीके से शतरंज की विशाख की भांति बीच जाती थी, जिसके चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते बना होते थे। अगर इस सभ्यता की बात की जाए तो यह सभ्यता अपने आप में एक विशाल विस्तृत सभ्यता, बहुत बड़ी सभ्यता थी। बात समझ में आया। और आज की सभ्यता से यह हजार गुना साल आगे थी। आज सोच नहीं सकते हम लोग कि ये लोग इतना आगे किस तरीके से, उस समय की व्यवस्था, उस समय की सड़कें, उस समय की पानी निकास की व्यवस्था अपने आप में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था थी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखे कि यह हड़प्पा सभ्यता को ग्रिड प्रणाली पे आधारित मकान माना जाता है। किस आधार पे? ग्रिड प्रणाली। अब यह ग्रिड प्रणाली क्या होता है कि कभी भी किसी भी मकान के चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ता हुआ करता था। ठीक है, जब मकान बनते थे तो इतनी बेहतरीन तरीके से बनाए जाते थे इस सभ्यता में कि इस मकान में चारों तरफ आने जाने के लिए रास्ते हुआ करते थे। और सबसे बड़ी खासियत इन लोगों ने जो है धूल मिट्टी से बचाव करने के लिए क्या किया था कि धूल मिट्टी से बचाव करने के लिए, बात करिएगा, धूल मिट्टी से बचाव करने के लिए इन लोगों ने क्या किया था कि इनके दरवाजे जो है कि मुख्य सड़क की तरफ न खुलते, गलियों की तरफ खुलते थे। किधर खुलते थे इनके दरवाजे? इनके दरवाजे जो है कि मुख्य सड़क की तरफ न खुलते, इनके दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। बात समझ में आया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो दरवाजा होता था, मकानों के जो दरवाजे हुआ करते थे, जैसे ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के किधर खुला करता था? बोले, मुख्य सड़क की तरफ ना खुल के हड़प्पा सभ्यता का जो दरवाजा होता था वह गलियों की तरफ खुलता था। बात समझ में आया। किधर खुलेगा? गलियों की तरफ इसका दरवाजा खुला करता था। किसका? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता की कुछ सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत देखा जाए और अंदर ही अंदर पानी निकासी की व्यवस्था थी। दो चीज एकदम अच्छे तरीके समझो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बिल्कुल पॉइंट नंबर फर्स्ट कि हड़प्पा सभ्यता में मकानों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ न खुलते, गलियों की तरफ खुलते। किधर खुलते थे? मुख्य सड़क की तरफ न खुलते, किधर खुलते थे? इसके हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ न खुलके गलियों की तरफ खुलते थे। क्यों? क्योंकि मुख्य सड़क की तरफ रहेगा तो वहां से अगर कोई भी चीज जाएगी, बैलगाड़ी, घोड़ा, खच्चर, कुछ भी जाएगा तो चारों तरफ धूल उड़ेगा। इसी से बचाव के लिए इन लोगों ने अपने दरवाजे गलियों की तरफ खोले थे, जिससे उनके घरों में जो है कि गंदगी प्रवेश न कर पाए। और हड़प्पा सभ्यता के दरवाजे इसका लेकिन अपवाद था, इसका अपवाद है लोथल जो गुजरात में, ठीक है, इसका अपवाद है लोथल जो कि गुजरात में है। गुजरात में दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुला करते थे। सारे हड़प्पा सभ्यता में दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। कौन है अपवाद? बोलिए, इसका अपवाद है लोथल। और लोथल में जो है कि दरवाजे किधर खुला करते थे? लोथल में जो दरवाजे खुलते थे किधर खुलते थे? बोलो, मुख्य सड़क की तरफ खुला करते। अब यहाँ ईंटों का अनुपात देखा जाए तो चार संबंधे, दो संबंधे और एक गजब की व्यवस्था बनाई। ये ईंटों का अनुपात है लंबाई चौड़ाई इंच से सेंटीमीटर में नहीं, चाहे इतना बड़ा ईंट हो, चाहे इतना बड़ा हो, चाहे इतना बड़ा ईंट। बात समझ में आया। ईंटों का अनुपात, ये चार क्या होगा? लंबाई। दो क्या होगा? चौड़ाई। और एक क्या होगा? ऊंचाई। क्लियर? चार संबंधे, दो संबंधे, एक ईंटों का अनुपात होता था। यह प्रकार की ईंटों का उपयोग जो है मकान बनाने में किया जाता था। किस प्रकार की ईंट का? एन प्रकार की ईंटों का उपयोग जो है कि मकान बनाने में किया जाता था। साधारण जो ईंटें मिली है वह अलंकरण विहीन मिली है, यानी कोई अलंकरण नहीं मिला। जो भी ईंटें मिली है साधारण अलंकरण विहीन मिली है, यानी इससे कोई अलंकरण नहीं होता था। लेकिन इसका अपवाद है, इसका अपवाद मिला है आपका जो है कि अलंकृत ईंट का अपवाद है काली बंगा। काली बंगा से अलंकृत ईंट मिली है। साधारण ईंटें जो है
साधारण नीति आयता का होती थी, लेकिन चांदूदड़ो के वक्राकार ईट मिली है। कैसी ईट मिली है? कहां से मिली है? चांदूदड़ो से वक्राकार ईट मिली हुई है। कहां से? चांदूदड़ो से। स्वान प्रकार की ईटों का, स्वान मतलब कुत्ते प्रकार। आप कहोगे यार ये स्वान प्रकार की ईट क्या होती है, तो स्वान प्रकार की ईट का मतलब देखिए, जैसे इस टाइप की ईट थी और ये दो टांग हो गया कुत्ते प्रकार की, एक कुत्ता इधर से भी काटो, ये कुत्ता इधर, एक कुत्ता यहाँ बना दो, बात समझ में आया? तो ये स्वान प्रकार की ईट यानी कुत्ते प्रकार की ईट, और इसका उपयोग ये लोग कहाँ करते थे? इसका उपयोग ये लोग तालाबों में किया करते थे। कहाँ करते थे? स्वान प्रकार की ईंटों का उपयोग ये लोग तालाबों में किया करते थे। कौन से लोग करेंगे? बोले हड़प्पा सभ्यता के लोग। कहाँ किया करते थे? तालाबों में इसका उपयोग किया करते थे। क्लियर? कौन से लोग किया करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग इसका उपयोग किया करते थे। तो ये देखा आप लोगों ने इस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया करते थे, और पक्की ईंटों का उपयोग, किसका उपयोग? जो पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था, पक्की ईंटों का उपयोग कुओं में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? पक्की प्रकार की ईंटों का उपयोग कुओं में किया जाता था। क्लियर? तो ये अभी हम लोगों ने देखा जो है हड़प्पा सभ्यता में महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम फिर एक बार फोकस करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने देखा जो है इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किस सभ्यता के नाम से जानेंगे? बोलो सभी लोग, ठीक है, किस सभ्यता के नाम से जाना जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कौन कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? उत्तर में मांडा चिनाब अखनूर कश्मीर। क्लियर? कहां तक थी? पूरब में मेरठ, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, मेरठ, दक्षिण में दैनाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र। राव ने बताया हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,000 किलोमीटर था। हड़प्पा सभ्यता 12,000,000 किलोमीटर। अब शांत हो जाए सभी लोग, एक बार 5 मिनट के अंदर इसको पूरा रिवीजन करा रहे। एस आर राव ने इसको खोजा, एस आर राव ने बताया कि इसका जो क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता जो है कि एक विशाल विस्तृत सभ्यता थी, या मिस्र की सभ्यता से जो है 20 गुना ज्यादा बड़ा थी। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा थी, और मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला के 12 गुना ज्यादा बड़ा किया। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग, सभ्यता थी, लोग आए होंगे, लोग आए होंगे तो बसे होंगे, बसे होंगे तो सभ्यता बनी होगी, सभ्यता बनी होगी तो सभ्यता की शुरुआत। तो अगर पूछा जाए कि ये इस सभ्यता के लोग कहां से आए थे, तो मैं समूला ने बताया था कि इस सभ्यता के जो लोग आए थे या आए थे मध्य एशिया में। इसका कोड मैंने अभी आप लोगों को बताया, ए से अल्पाइन, ठीक है, एम से मेडिटोरियन, बी से प्रोटो आस्ट्रेलाइट और एम से मंगोलियन। यहाँ पूछा जाए तो यहाँ जो रहने वाले लोग थे, सबसे ज्यादा यहाँ जो लोग पाए गए वह आए थे कहाँ से? वह आए थे मेडिटोरियन यानी भूमध्य सागरी यानी कार्पेशियन, भूमध्य सागरी कार्पेशियन मेडिटोरियन, इस सभ्यता में सबसे ज्यादा।
हड़प्पा सभ्यता को किस सभ्यता के अंतर्गत रखा जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, यानी जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके उसे रखा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। पढ़ने लिखने के आधार पर हम अपने इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। पढ़ने लिखने के आधार पर हम अपने इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था, जो कंदराओं में गुफाओं में रहता था, उस आधार पे उसके द्वारा जो उपयोग में लाई गई वस्तुएं थी उनके आधार पे जब किसी समाज का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, यानी जिस प्रकार के उसने पत्थरों का उपयोग किया था उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन जिसको हम नहीं पढ़ सके उसको रखा गया आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। तीसरा, 600 ईसा पूर्व से आज तक का काल जिसका लिखित दस्तावेज है और जिसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं पढ़ सकते हैं उसको कहा जाता है ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। तो इसको हम लोग आज ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है, जिस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना जानता था लेकिन जिसे हम नहीं पढ़ सकते इसको हम लोग जानते हैं। इस काल की लिपि की अभी मैंने बात की थी, इसको कहा जाता था भूषण, जो हमारे भारत देश की खरोष्ठी लिपि के अत्यधिक नजदीक है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, किधर से किधर लिखी जाती थी। इसका अभी मैंने तुरंत आप लोगों को बताया था कि इसको हलाव्रत शैली, इसको सर्पिलाकार शैली, इसको गोमूत्रिका शैली के नाम से भी जाना जाता है। सर्पिलाकार, गोमूत्रिका, हलाव्रत शैली के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सभ्यता की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत अभी छोटी सी बात किया था हम लोगों ने कि इस सभ्यता में जो रहने वाले लोग थे सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताओं में कि सिंधु सभ्यता का समाज दो भागों में विभाजित था, एक को कहा जाता था पूर्वी भाग, एक को कहा जाता था पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग में साधारण जनता रहा करती थी, पूर्वी भाग में साधारण जनता रहा करती थी और पश्चिमी भाग में जो लोग रहते थे प्रशासनिक वर्ग के लोग, कौन लोग रहा करते थे? प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। पूर्वी भाग में साधारण जनता और पश्चिमी भाग में प्रशासनिक वर्ग के लोग रहा करते थे। लेकिन इसका जो है अपवाद है, इसका अपवाद है धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। इसका अपवाद है धौलावीरा। धौलावीरा तीन भागों में विभाजित था, किला, मध्य नगर और धर्मनगर। अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत सबसे बड़ी इसकी जो है जल निकासी की व्यवस्था आती है, यानी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आप देख रहे हैं कि आपके इलाहाबाद जैसे शहर में इतना साल जीत जाने के बाद भी आज जाके ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है। कल्पना करिए कि आज से 5000 साल पहले जो है कि 5000 साल पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था थी, यानी जो भी गंदा पानी होता था ये लोग नालियों के माध्यम से बाहर निकाल दिया करते थे। सिंधु सभ्यता की सामान्य विशेषताओं में से सबसे बड़ी सामान्य विशेषता ये भी है। और इसी सभ्यता में आप लोगों ने देखा कि जो है कि कई प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया था। क्लियर। कई प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया। किस सभ्यता में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग? ठीक है, ओके।